पे भी मैं हूँ, ये है जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट टूरिज्म कॉरपोरेशन प्राइवेट ये लिमिटेड है, और इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया, इसके टैरिफ क्या हैं, एसी नॉन एसी कमरे कैसे हैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए एसी कमरा देखते हैं, उसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसका टैरिफ है वो है 1350 रुपये। आइए चलते हैं, पता करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कमरे कैसे हैं। मैं इसके एसी कमरे दिखाता हूँ कि कैसे हैं, क्योंकि 1350 रुपये का है मात्र। चलिए आइए मेरे साथ, मैं जहाँ पर रुका हूँ वो थोड़ा सा मेसी होगा क्योंकि हम 4 से 5 लोग हैं और हमें अमरनाथ की यात्रा करनी है, तो इसलिए हमें ये एसी कमरा लेना पड़ा। हम चाहते तो भगवती नगर में जो कि यात्री निवास है वहाँ रुक सकते थे, बट हमने अपनी सुविधा के लिए ये कमरे को सेलेक्ट किया है ताकि हम यहाँ पर कुछ ही देर के लिए, क्योंकि 3 बजे मैं यहाँ पर आया था और हमें यहाँ से निकलना है 12:30 बजे, तो लगभग जो है देखते से टाइम देखे तो 6 घंटे के लिए हमने ये 1350 रुपये दिए हैं। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो नीचे पार्किंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसा कमरा है वो दिखाऊंगा। और ये जो रूम है ये देख रहे हैं आप, J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होटल जम्मू रेजिडेंसी जम्मू। रूम्स जो हैं ये आपके 201 से लेकर के ये आपके पूरे लिखे हुए हैं। आइए चलते हैं, अब आपको मैं कमरे दिखाता हूँ। तो ये है 208 जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। चलते हैं इसके अंदर और अभी आपको मैं पूरा जो कैसा है वो रूम टूर दिखाऊंगा कराऊंगा, और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए तो अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको रूम टूर कराता हूँ जो कि 1350 रुपये का। तो ये रूम जो है अंदर आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो है ऑन ऑफ करने के लिए लाइट है, ये आपको कवर्ड दिए गए हैं, ये यहाँ पे आप अपने लगेज रख सकते हैं, इस तरह का ये है, यहाँ पे आप जो भी सूटकेस वगैरह लेके आते हैं वो रख सकते हैं। ये इधर है आपका वेस्टर्न जो है वो टॉयलेट है, देख लीजिए गीजर लगा हुआ है, शावर है, और काफ़ी बड़ा सा जो मिरर है इधर, और आपको ये सुविधा है, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। आइए बाहर हम आपको लेके चलते हैं। ये कमरा है काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को अगर आना चाहते हैं, अभी हम 5 लोग हैं और हमने ये 6 से 7 घंटे के लिए कमरा लिया हुआ है। आपको ये टीवी मिल जाएगी, छोटी सी मिनी रेफ्रिजरेटर है, ये छोटा फ्रिज है, अगर आप कभी कोई खाने पीने की चीज़ लेके आते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं, ये सामान भी आप यूज कर सकते हैं। और विंडो एसी आपको मिलेगी। अब विंडो एसी के साथ साथ मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, और जहाँ पार्किंग है वो पार्किंग स्पेस भी दिखाऊंगा। तो ये है पूरा वो स्थान, ये जम्मू रेजिडेंसी होटल है, ये नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पार्किंग है। अगर आप पार्किंग के लिए अगर आप पर घंटे के हिसाब से देना चाहते हो तो 30 रुपये लगता है। और मेन जो रिसेप्शन है इनका ये है ऑफिस वहाँ पर, और जितने भी एसी कमरे हैं ये इस साइड हैं। तो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं, और ये काफ़ी बड़ी लॉबी है, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के आप पीछे तक का, पीछे अभी बैक करके दिखाइए कि डिस्टेंस कितनी है, लगभग इतनी डिस्टेंस है, तो स्पेस काफ़ी स्पेस है। और ये है होटल जम्मू रेजिडेंसी, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आकर के आप स्टे कर सकते हैं, 1350 रुपये आपका लगता है। इसे आप कहाँ से बुक करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारा जो प्रोसीजर मैं आपको अभी जानकारी देता हूँ।